चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास थ्री का लेक्चर। क्लास थ्री का लेक्चर नंबर टू। कल हम लोग ये वाले देख लिए थे, ठीक है। आज सेकंड, इसमें लिखना क्या है? पिछले बार हम देखें, जैसे लिखा हुआ था 4903, तो इसको लिखे 4903। इसी प्रकार से हम अगर वर्ड में दिया हुआ है और उसको लिखना रहे नंबर में, तो 800, हंड्रेड की बात आया तो पहले हम ऐसे करके लिख लेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड। तो हंड्रेड की जगह पे कितना है? एट। तो हंड्रेड के जगह पे मैं यहाँ पर एट लिख सकते हैं, लिख दिए। 26 बोला तो सिक्स होगा वंस पे, और 20 टेंस पे, तो टू हो गया 20, यानी टू, और ये हो गया यहाँ पर सिक्स। जैसे सेकेंड में देखते हैं, फिर आ गया यहाँ पे हंड्रेड, तो फिर से एक चार्ट बना लीजिए कि वंस, टेंस, हंड्रेड के लिए हमने चार्ट बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ 700, तो हंड्रेड के जगह पर कितना लिखना पड़ेगा? सेवन। फिर 90, तो 90 के लिए नाइन। टू, तो टू के लिए टू। तो इस प्रकार से कुछ भी देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ 304, एक ट्राई करना है। तो फिर 300, हंड्रेड की बात, तो वंस, टेंस, हंड्रेड। 300, तो हंड्रेड की जगह पे 304 सिर्फ लिखा हुआ है, यानी टेंस के जगह पे कुछ है क्या? कुछ नहीं, सिर्फ क्या बोल रहा है, 304 बोल रहा है। तो टेंस की जगह पे कुछ नहीं है, तो हम वहाँ पे जीरो प्लेस कर सकते हैं, और यहाँ पर बचा फोर, तो फोर को यहाँ पर लिख देते हैं, तो हो गया 304। इसी प्रकार से 957 ये बन जाएगा, ट्राई कर सकते हैं, इस पर कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। इस पर ध्यान देकर के हम लोग नहीं बनाना है, जो भी हम लोग बनाएंगे देखेंगे वो फिर से ट्राई करना है उसके बाद। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव एफ का, 5000, तो थाउजेंड के जैसे आया तो यहाँ पे लिखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो कितना थाउजेंड के जगह पर लिखना है? फाइव। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें फाइव। 800, हंड्रेड का जगह पर तो ये था, तो अगर नहीं समझा तो वंस के लिए ओ, टेंस के लिए टी देते हैं, हंड्रेड के लिए एच लिखते हैं, और फिर थाउजेंड के लिए टी लिखते हैं। तो हंड्रेड के जगह पर कितना है यहाँ पर? 800। एट हो गया, ट्वेल्व, ट्वेल्व, वन और टू, ट्वेल्व। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो जाएगा। 4000 ये भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसको बनाने के लिए 4000 की जैसी ही बात यहाँ पर कर रहा है, तो थाउजेंड के लिए हम लोग पहले चार्ट बना लेंगे कि वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, उस प्रकार से बनाइए। तो देखिए, तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, कितना बोला जा रहा है यहाँ पर? 4000। थाउजेंड की जगह पर कितना लिख देंगे? फोर लिखा, लिख दिए। 300, हंड्रेड जगह पर थ्री, अब आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब उसके जगह पर कितना हो जाएगा? जीरो, जीरो, ठीक है। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो आई भी हो जाएगा 3809। 6005 को देखते हैं, थाउजेंड के बोला फिर से, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, तो सिक्स हो गया थाउजेंड, कुछ नहीं है, लास्ट में सिर्फ फाइव बोला, तो फाइव तो वंस प्लस यहाँ पर हो जाएगा। अब बाकी जो कुछ नहीं दिया उसको यहाँ पर क्या रखना है हमें? जीरो। तो इस प्रकार से हम थ्री क्वेश्चंस को इजीली बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि नेक्स्ट किस प्रकार से हम लोग बना।
क्वेश्चन नंबर फोर, फोर में देखते हैं क्या है। इसमें लिखना है कि जो आपको ये नंबर दिया हुआ है 626, इसके प्रीसीडर्स मतलब होता है पहले वाला, और सक्सेसर मतलब इसके बाद वाला, मतलब इसके जस्ट पहले कौन आएगा वो हमें यहाँ पर लिखना होगा इस चार्ट में, और इसके बाद जो आएगा वो हमें इस चार्ट में लिखना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि 626 के पहले कौन सा आएगा, ये लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास सोचिए 626 है, इसके पहले कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसके पहले देखते हैं कि 626 के पहले कौन सा नंबर हम लिख सकते हैं। सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स लिखा हुआ है, तो 600 को यहाँ पर इसको कांस्टेंट छोड़ देंगे। क्यों? जब भी अगर 100 के बाद चेंज होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको 599 रहता, ठीक है, इससे अगर एक बढ़ाया जाए तो क्या होगा, 600 बदल जाएगा। अगर एक कम करेंगे तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 5 में। यानी अगर हमें प्रेसिडर्स निकालना है, प्रेडिसर्स निकालना है और सक्सेसर जब निकालना है, प्रेडिसर और सक्सेसर जब निकालना है, तो प्रेडिसर में क्या करना है कि जितना भी रहेगा उस नंबर में, जैसे 626 नंबर है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 को। अगर सक्सेसर निकालना होगा तो 626 में 1 ऐड कर देंगे, तो आपको सक्सेसर निकल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगर हमको प्रीडेसेसर निकालना है, प्रीडेसेसर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 सब्ट्रैक्ट करिए, और सक्सेसर जब निकालना होगा तो आप वहाँ पे 1 ऐड कीजिए। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, अब हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है कि इसको एक्सपेंड के रूप में, कि अगर हम लिखा हुआ 769, उसके पहले एक हम थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं छोटा, जैसे कि मान लिया जाए 32 है, 32 यहाँ पढ़िए वंस और यहाँ टेंस, तो 3 को 3 लिख दीजिए, किसके जगह पे था, टेंस के जगह पे, किसके जगह पे था, टेंस, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब प्लस। ठीक है, अब उसके बाद 2 है तो 2 लिखिए, किसके जगह पे है, वंस, वंस मल्टीप्लाई, तब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 30 और प्लस में आ जाएगा 2। फिर से देखिए, आपको जो नंबर है दिया हुआ उसे बस लिखना पढ़ना सीखना चाहिए, कि वंस तो पढ़ लोगे, इसके बाद आपको टेंस, देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, सब पढ़ने आता है, तो जो नंबर उसको लिख दीजिए, और देखिए किसके जगह पर था, जिसके जगह पर रहेगा उसे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, फिर प्लस करिए, फिर 2 आया, 2 की बारी आया, 2 लिख दिए, और जिसके जगह पर था उससे मल्टीप्लाई कर दिए, और इसको प्लस के रूप में अगर लिख देते हैं तो ही कहलाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर शॉर्ट में देखना है इसको क्या है, 3 लिखा हुआ है, 3 लिख दीजिए, लिख दिए, कितना लिखा, 3 लिख दिए, 3 के पहले कितना कितना डिजिट है, एक डिजिट है, 10 लिख दीजिए। अब प्लस, 2 के पहले क्या है, 2 लिख दीजिए, 2 के इधर में कितना एक है डिजिट, एक भी डिजिट नहीं, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आगे में, 3 तो 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो,
ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट कैसे सोच सकते हैं, देखिए इसे मान लिया जाए कि यहाँ पर है 769, 769 ये है, वंस टेंस हंड्रेड, तो 7 × 100 प्लस 6 × 10, क्योंकि टेंस के जगह पे है, और प्लस 9 × 1, इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या 7 के पहले इवांस है ना, 6 भी है और 9 भी है, 2 है, तो इसलिए 2 जीरो हमको देना पड़ेगा, प्लस 6 लिख देंगे, इसके पहले कितना है हमारे पास, 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 जीरो दे देंगे, 9 के पहले कोई है क्या, कोई नहीं, तो 9 के पहले कुछ नहीं, तो इस प्रकार से यही हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म में, कि इसको एक्सपेंड के रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। जैसे 3 × 2 = 1 है, तो 3 होगा, पर 1 × 2 = 0, 2 0 हो जाएगा, 2 पर 1 0 होगा और 1 पर कुछ नहीं होगा, इस प्रकार से हम 5 नंबर क्वेश्चन को भी डील कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सिंपल कितना है 3 00, ज़रूरत नहीं है, मान लिया कि आपको हम ऐसे देते हैं 4 पे प्लस 2 0 प्लस 3 है, ऐसे दिया हुआ, क्या करना है, ये पता है कि कुछ इसके पहले नहीं है, मतलब सिंपली 3 लिखना है, 1 0 है और 1 0 के बाद ये लिखा हुआ है, मतलब 1 अंक के बाद हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बारे, तो 3 0 है ना, तो 3 अंक छोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 छोड़ना पड़ेगा, चौथा के जगह पे, फोर्थ प्लेस के जगह पे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4, अब यहाँ तो बचा हुआ है, इस जो वैकेंट स्पेस है यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 लिख दिया हूँ, 0 लिख देते हैं, इस प्रकार से हमको इसको हम शॉर्ट फॉर्म, इस पूरे को शॉर्ट फॉर्म हम ये वाला बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर ही है, कितना है 6 00 60, तो इसके पहले तो कुछ नहीं है, तो आपका ये वैकेंट रहेगा, तो 1 अंक के बाद ना आपको 6 है, तो 1 अंक के बाद आप यहाँ पर 6 लिख दोगे, फिर यहाँ पर 2 00 है, इसका मतलब 1 छोड़ ही दिए और 1 और छूट जाएगा, फिर से 6 आएगा, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 0, ये हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अब उसको हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में कैसे उसको हम लोग लिख पाएंगे एकदम इजी में, तो शॉर्ट में हम उसको देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी आपको डिजिट्स, जितने भी नंबर दिए होंगे, सारे नंबर को आप शुरू का लेट डिजिट को देखेंगे, शुरू का डिजिट में जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे आगे रखेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं 75 39 26 44 38, देखिए ये सब में सबसे छोटा, सबसे आगे वाला डिजिट कौन है, सबसे छोटा वाला डिजिट कौन है इसमें, तो सबसे छोटा देखेंगे 7 तो होगा नहीं, 3 भी नहीं होगा, 2 है, 4 है, देखिए लिख लेते हैं सब में से 7 3, सब आगे वाला लिख रहा हूँ, 2 4
तो इसमें सबसे छोटा कौन है? सब छोटा टू है, यानी हमको सबसे छोटा वाला नंबर हो गया 26। तो हम सबसे पहले नंबर लिखेंगे 26। अब उसके बाद थ्री वाला, तो थ्री से यहाँ पर देख रहे हैं कि दो नंबर है यानी 39 और 38। तो जब फर्स्ट लेटर्स फर्स्ट डिजिट से अगर नहीं हम लोग अलग कर सकते हैं तो उसको हम लोग सेकेंड लेटर पर जाएं, सेकेंड डिजिट पर जाएंगे। तो सेकेंड डिजिट पर जाएंगे तो हमको सेकेंड पर है 9 और 8, दोनों में छोटा कौन है? 8। तो हमको कहेंगे कि ये 38, फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं। तो सबसे छोटा 26 और उसके बाद 38। फिर जब थ्री वाला की नंबर है, क्योंकि ये तो हो गया, उसके बाद हम थ्री वाला की नंबर, तो यहाँ पर हम इसमें 39 लिख सकते हैं। अब बताइए बचा कौन है हमारे पास? अब हमारे पास दो और बच्चे हैं, तो दो में कौन बच्चे हैं? एक 7 और दूसरा 4। तो 4 की 7, तो उससे छोटा तो 4 हो गया, तो 4 वाला कौन मिल जाएगा? 44। अब उसके बाद लास्ट में बच गया 75। तो आंसर हो गया हमारा, कौन हो गया क्वेश्चन मेरा आंसर? तो सबसे पहले 26, फिर 38, 39, 44, 75। तो इस प्रकार से अरेंज कर सकते हो। इसी प्रकार से अगर मान लिया जाए डिसेंडिंग में कहेगा तो सबसे बड़ा वाला पहले लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखना होता तो डिसेंडिंग में अगर इसी को रहता सबसे बड़ा कौन था? 7। तो यहाँ पर हमारा आंसर होता 75, फिर कौन होता? 44, और फिर कौन होता? 39, और उसके बाद 38, और उसके बाद 26। ठीक है, तो असेंडिंग में हम पहले छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे और डिसेंडिंग में बड़ा से छोटा की ओर आएंगे। ठीक है, इतना बना कर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 तक। थैंक यू।